हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और ये देखिए पोर्टोलाका में कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रखी है पर्स लेन में। तो यहीं पर ये देखिए, ये है अलमंडा। तो अलमंडा में भी देखिए कितने अच्छे सुंदर सा फूल खिला हुआ है। इसमें कई सारे फ्लावर खिल चुके हैं और कलियां भी इसमें बनी हुई हैं। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों एक बहुत ही सुंदर से फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। तो चलिए अपने वीडियो में चलते हैं, मैं दिखाती हूँ वो प्लांट आपको, कितना सुंदर फ्लावर इसका होता है और बहुत ही ब्यूटीफुल, देखने में बहुत ही आकर्षक होता है। तो ये देखिए यहाँ पे सारे प्लांट बिल्कुल ग्रीनरी लिए हुए हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहीं पे ये है वो प्लांट जिसके बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ। तो ये है फुटबॉल लिली दोस्तों, इसको बोलते हैं फुटबॉल लिली। तो ये बहुत ही प्यारा फ्लावर होता है, बहुत ही सुंदर लगता है। तो और ये फ्लावर एक बार खिलने के बाद काफ़ी टाइम तक हमारे गार्डन में बना रहता है। तो आप इसकी सुंदरता देख सकते हैं, इसकी ब्यूटी कितनी अच्छी लग रही है। फ्लावर में बिल्कुल बॉल शेप लिया हुआ है, इसीलिए इसको फुटबॉल लिली बोलते हैं। तो आप खुद देख सकते हो ना कितना सुंदर सा फ्लावर है इसका बिल्कुल। और ये 15-20 दिन, एक बार खिलने के बाद 15-20 दिन तक ये खिला ही रहता है, कभी कभी तो महीने भर भी रुक जाता है। और ये जो है बल्बस प्लांट है दोस्तों। तो आज इसकी केयर के बारे में हम बात करेंगे, कैसे इसका प्रोपोगेशन होता है, क्या खाद फर्टिलाइज़र जो भी कितना इसको चाहिए होता है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो ये देखिए, आप इसके फ्लावर का शेप देख लीजिए एक बार, कितना सुंदर और कितना बड़ा फ्लावर होता है इसका। तो मैं मेरे हाथ पे करके आपको दिखा देती हूँ, देखिए कितना बड़ा फ्लावर है। अगर मैं हाथ को ऐसे रखूँ तो आप समझ सकते हो इसके साइज़ को, और ऐसे करूँ तो पूरे हाथ में भी नहीं आ रहा है, ये बिल्कुल बहुत ही बड़ा साइज़ हो गया है इसका। तो ये धीरे धीरे देखिए, अभी तो इसकी और कलियाँ खिलनी रह रही हैं। ये देखिए, ये जो है अभी ये खिलेंगे, और इसको 5 से 6 दिन हो गए खिले। ये एक बल्बस प्लांट होता है दोस्तों, ये बल्ब से ग्रो किया जाता है, और इसके बल्ब आप इस टाइम पे भी लगा सकते हो। तो बहुत ही हेल्दी बल्ब होना चाहिए, अगर आप इसको लगाते हो तो बिल्कुल हेल्दी बल्ब होगा तो फ्लावरिंग भी बहुत ही अच्छी करेगा और जल्दी फ्लावरिंग करेगा। अगर आप इसको फरवरी मार्च में लगा देते हो तो इस टाइम पे आपको फ्लावरिंग देता है ये। तो इसको आप बल्ब से ग्रो करें, तो इस तरह से इसके बल्ब, ये देखिए ये बल्ब मिट्टी में निकला हुआ था, मैंने इसको मिट्टी डाल दी इसके ऊपर, तो इस तरह से इसके बल्ब होते हैं। तो एक ये जो है पॉट, ये है 8 इंची का, तो मैंने इसमें एक ही बल्ब लगाया है, और ये धीरे धीरे मल्टीप्लाई भी होते रहते हैं, तो बहुत सारे बल्ब तैयार हो जाते हैं एक बल्ब अगर आप लाते हो। अगर आप इस टाइम पे लगाना चाहते हो तो दोस्तों आप प्लांट ही लेकर आएँ ताकि आपको फ्लावरिंग देखने को मिले। अगर आप लगाओगे तो अगले सीजन में आपको इसकी फ्लावरिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि मैंने भी जब इसको लगाया तो 1 साल फर्स्ट फ्लावरिंग है ये, मैंने पिछले फरवरी मार्च में इसको लगाया था, तो बल्ब भी काफ़ी टाइम में ग्रो हुआ था, क्योंकि अगर बल्ब हेल्दी होता है ना तो जल्दी ग्रो हो जाता है। नहीं तो ये बल्ब थोड़ा छोटा था मेरा। तो इसकी मिट्टी की बात कर लेते हैं दोस्तों, इसकी मिट्टी मैंने एक भाग मिट्टी और एक भाग रिवर सैंड और एक भाग गोबर की खाद। चाहे तो आप 40% आप मिट्टी ले सकते हो और 20% रिवर सैंड और 40% आप इसमें खाद ले सकते हो, इस तरह का मिक्सर आप तैयार कर सकते हो। तो उसी के साथ आप एक मुट्ठी नीम फली डाल दीजिए। तो मेरा ये 8 इंच का पॉट है, आप 10 से 12 इंच का पॉट अगर लेते हो तो उसमें 2 से 3 से 4 बल्ब भी आप उसमें 12 इंच के पॉट में लगा सकते हैं, बिल्कुल आसानी से अच्छे से ग्रो होंगे। और एक ही पॉट में जब ऐसे फूल एक साथ खिलेंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा। तो पॉट हमें 8 इंच से ही बड़ा लेना है, कम से भी 8 इंच का तो होना चाहिए, जिसमें 8 इंच वाले मैंने एक ही बल्ब लगाया है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होते रहते हैं तो इनको
स्पेस भी चाहिए होता है। तो इस तरह से मैंने इसका पॉट लिया है। मिट्टी तो मैंने आपको बताई है कि उसमें उसी के साथ आप एक मुट्ठी नीम खली और थोड़ा सा फंजीसाइड जरूर डालें दोस्तों। और जो बोन मील होता है, बल्बस प्लांट को बोन मील बहुत पसंद है और बोन मील फ्लावरिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, तो बोन मील ज़रूर डालें। तो मैं तो उसकी जगह स्टोन डस्ट का यूज़ करती हूँ, क्योंकि स्टोन डस्ट ऑर्गेनिक होता है, बोन मील भी ऑर्गेनिक ही होता है, लेकिन मुझे आसानी से मिल जाता है स्टोन डस्ट, तो मैं मेरे गार्डन में प्लांट में हमेशा ही स्टोन डस्ट का यूज़ करती हूँ। तो 8 इंच के पॉट में मैंने एक मुट्ठी स्टोन डस्ट डाला है, तो वो साल में एक बार ही हमें इस तरह का फर्टिलाइज़र हमने इसको जब लगाना है तब इस तरह की मिट्टी हमने तैयार करनी है, और साल में एक बार ही इसको फर्टिलाइज़र देना होता है। जैसे फरवरी में आप इसको खाद दे सकते हैं तो आपको इस टाइम पे अच्छी फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। तो मैंने इसमें फरवरी में ही इसमें खाद दी थी, गोबर की खाद और साथ में नीम खली और स्टोन डस्ट मैंने इसमें डाला था। तो ये फ्लावरिंग के लिए बेस्ट होते हैं। आप वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट कुछ भी आप डाल सकते हो। तो ये सब मैंने इसमें फरवरी में डाला था, और थोड़ा सा मैंने सरसों खली भी इसमें डाली थी आधा चम्मच। तो ये सब चीज़ें मैंने फरवरी में इसमें डाली थी, और आप देख सकते हो इसकी फ्लावरिंग कितनी सुंदर है। तो इसी तरह से हमने इसकी केयर करनी होती है, और पानी हमने इसको जब इसकी मिट्टी ऊपर की लेयर सूख जाए तभी हमने इसमें पानी डालना है। ज़्यादा पानी हमें ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, नहीं तो इसका बल्ब जो है ख़राब हो जाएगा, गलने लग जाएगा। तो इसी में देखिए मिट्टी में मैंने थोड़े से ये चारकोल के पीस भी डाले थे ताकि ये मॉइस्चर को भी होल्ड करें और नमी बनाए रखें इसमें प्लांट में। और एक ये फंजीसाइड का भी काम करते हैं, एंटी फंगल का, तो ये भी ज़रूर डाल लें अपने एक मुट्ठी मिट्टी में। तो बस दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, और मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, बाय दोस्तों।